एक एक को पढ़ के दिखाओ, पिल है कि मानता नहीं मिस्टर अल्लाह। हाँ। ये इनको आपका करके कैसे आएंगे चारों लड़के। सर यहाँ देखिए, इधर थैंक यू थैंक यू सतीश सर यहाँ पे फोटो करते ना सर, आइए ना सर। कृष्णा भाई ये सर ना लाइट नहीं है भाई इधर। अरे सर सामने देखिए, सतीश सर सामने लुक इधर, सतीश सर यहाँ पे थैंक यू। सतीश सर का एक सोलो सर, आपका पहले आप सोलो कर लो, आपका सोलो सतीश सर। होता ना कि बच्चे जब आपसे कोई राय लेना चाहें, जबकि उनकी सोच बिल्कुल अलग है आजकल की जो सोच है, और वो अच्छी है, अपने दिल की जो पिक्चर बनाएं जिसमें आप कॉन्फिडेंस रखें, जिसमें आप विश्वास रखें, वही एक्चुअली आपके लिए अच्छा होता है। तो आर्या ने मुझे पहले फिल्म दिखाई थी, अच्छी लगी थी, अब जब लिंक भेजा तो और ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अब बड़ा फिनिश प्रोडक्ट था। और मैं तो इसको हमेशा ही बोलता हूँ, जब से इसने किताब लिखी थी अपनी पहली किताब बड़ी सक्सेसफुल हुई, वो जब मैंने एक बार में पढ़ ली थी तो मैंने कहा था कि यू हैव ए ग्रेट मेकिंग एज ए राइटर। एंड फिर इसने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो बड़ी डार्क जोन की थी, वो बहुत अच्छी थी, और वो देख करके मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर डायरेक्टर के पूरे गुण हैं, इसके अंदर एक बड़े डायरेक्टर बनने की, क्योंकि जो सिनेमा को जानता हो, जो राइटिंग को जानता हो, जो परफॉर्मेंसेस को जानता हो, जो एक्टर्स से काम निकाल सके, और जो ह्यूमर के पुट को बहुत अच्छी तरह से मतलब सिनेमा के पर्दे पर पेश कर सके। और पिल है कि मानता नहीं, जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, वैसे पिल है कि मानता नहीं। तो वो अपना आर्य का अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, विच इज़ वैकी, विच इज़ मैड, विच इज़ क्वर्की, और मुझे अच्छा लगता है कि ये बहुत, और खुद एज एन एक्टर भी इस फिल्म के अंदर जो किया है, तो फिल्म तो मैंने देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बनाई है, और बहुत ही मतलब हमारे जीवन के एक मतलब एक पल की कहानी है मतलब। और आपने बहुत मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे पीछे देखी है, लेकिन इसका जो टेक है वो बहुत ही अलग है, समझे ना। और आर्य के हीरोज जो होते हैं ना, वो हमेशा फंसे हुए होते हैं असल में किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर। वो इसकी किताब में भी है, इसकी पहली फिल्म में भी था, इसकी इस फिल्म में भी है, जो कि आपको बहुत एंडियरिंग लगते हैं मतलब, है ना, कि आदमियों को स्ट्रॉन्ग ना दिखा करके फीमेल्स को स्ट्रॉन्गर दिखाओ असल में, यू नो, कि उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी मतलब उनका अपना बिलीफ है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट पिक्चर इज़ वेरी सक्सेसफुल, पीपल आर सी वॉचिंग इट, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम, यू नो,
और खुद इनकी प्रोडक्शन हाउस हो, मतलब प्रोडक्शन हाउस बन गया है, तो अभी ऐसी फिल्में बनाए, अब तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कभी अपनी फीचर फिल्म बनाएगा सर। मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगा दैट द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट आई एम डूइंग, ये मेरा स्कूल है, मैंने यहाँ सीखा है। इन्होंने मुझे अपनी फिल्म कागज़ के वक्त मुझे मौका दिया था कि मैं वहाँ पर यू नो, मुझे कहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं, आई वाज जस्ट पोस्ट प्रोडक्शन डायरेक्टर, अरे सर बीइंग वेरी काइंड, आई वाज जस्ट वर्किंग ओवर देयर, ही गेव मी अ चांस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न पोस्ट प्रोडक्शन विद हिम, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज हियर एंड ही इज सपोर्टिंग आवर फिल्म एंड ही स्पीक्स सो काइंडली, थैंक यू सर। इट्स वेरी 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 फ्रेश टेक ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इज वेरी क्वर्की ऑल्सो, एंड एक्टर्स जितने भी सब ने काम किया, सब यहाँ पे खड़े हैं, सब अच्छे अच्छे एक्टर्स खड़े हैं, सब बढ़िया तुम देना, तो वो उसके अंदर देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी काम को पैशनेटली करते हैं, और दूसरा थिएटर का बैकग्राउंड रहा तो हमारा तो खुद का एकजुट का, वो नादराबाजी हो, वो जूही हो, वो और मैं सबसे ज़्यादा तो उसको देखा हूँ कि अरे भैया अपनी जस्ट कहाँ को जैसे मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा के पास गई है, तो इनकी दोनों की टीम, मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि इन दोनों की टीम जो है वो ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करते रहे, जो आज का हो, जो मॉडर्न हो, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हो, और फिर भी उसके अंदर कोई रूटेड बात कही जाए। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू कॉल ऑल द कास्ट मेंबर्स हियर, प्लीज़ यस सच, गोपी भाई तो आप तो जानते ही हैं, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन लवली लवली ऑल ऑफ यू, सो गुड। और ये शॉर्ट फिल्म, आजकल शॉर्ट फिल्म नहीं होती है, फिल्म होती है, कई लोग कई पिक्चरें होती हैं 2.5 घंटे की बड़ी बोरिंग होती है और कई 10 मिनट की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है ना। सो शॉर्ट फिल्म जो है ये है बड़ी फिल्म है, पर इसको कहते हैं शॉर्ट फिल्म। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू सर। पहले फॉलो फॉलो करने पहले सर आइए ना सर, आप 3000 के साथ हो सर, पीछे सोलो तरफ पीछे आ जाए, चलो लुके सेंटर यहाँ पे राइट से लेफ्ट में, श्रीकांत श्रीकांत प्लीज कम एवरीवन। हाँ जी सतीश जी वहाँ चले गए, आया फैमिली तो लाओ पूरी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, और सर सामने सुखद डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ बोल रहे थे थोड़ा इधर माँ, एक स्टेप और प्लीज। अभी थैंक्स सर, आज आर्या का डायरेक्टिंग डेब्यू मूवी फिल्म है कि मानता नहीं का स्क्रीनिंग है, आपने पिक्चर जरूर देखी होगी, कैसी लगी है पहले? शुरुआत यहीं से करो, माँ को ज़्यादा अच्छी लगती नहीं, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छी लगी, ठीक कह रहे हैं ये,
माँ को अच्छी लगती है तो सही है, लेकिन इस जुमले के अलावा कि मैं ये कह रही हूँ मजाक की तरह नहीं, सच में उसने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, सब जितने लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं वो भी कमाल है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माय सन, गॉड ब्लेस हिम, आई होप ही डज वेरी वेल, आई होप द फिल्म डज वेरी वेल। राज सर आपसे जानना चाहेंगे, ये फिल्म जितनी फनी है उतना ही अच्छा मैसेज भी देती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अगर अपनी बात कहूँगा तो लगेगा माँ भी कह रही है बाप भी कह रहा है, लेकिन आज मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा एक दोस्त जिसके मैं ओपिनियन की बड़ी कदर करता हूँ और वो जिस जोनर में ये पिल है कि मानता नहीं आर्य ने बनाई है, हम तो बड़ा सोचेंगे कि हम इसके बारे में और कैसे बोलें और कैसे बोलें, लेकिन जिसका ये जोनर है मास्टर क्राफ्टमैन है डेविड धवन, और आज सुबह जो उसने जो बात कही है मैं ना कह पाता ये बातें कि बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छा एनेक्ट किया हुआ है, और आज के ज़माने में इस तरह की फिल्म को लिखना और उसका मजाहियापन, उसके अंदर जो एक कॉमेडी का जो पुट है उसके साथ साथ कितना खूबसूरत मैसेज है कि आजकल के लड़कों को जैसे आर्या है उनको ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। और ये सही माने में फिर मैं डर गया जब उन्होंने कहा कि लड़कों को, तो मैंने कहा आपका मतलब आर्या से तो नहीं, तो बोले कि नेचुरली अब उसने बनाई है फिल्म तो उसके साथ भी है मेरा। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे दोस्त ने जिसके साथ ऑलमोस्ट मैंने करियर शुरू किया और इस जोनर की फिल्म जो थी, मैं पहले बहुत डरता था काम करते में, लेकिन आर्या मुझे सरपास करके डेविड के बगल में जाके बैठ गया है और उसके प्यार का हकदार बन गया है। गॉड ब्लेस हिम। Thank you. That's thank the you most very overwhelming much. If you want to say something about David Bhai. I would just like to say, first of all, I would like to say कि मेरे लिए बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी पूरी टीम का, सबसे पहले कि सब ने मेरा साथ दिया इस फिल्म को बनाने के लिए। इट्स कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पेरेंट्स को फिल्म पसंद आए। और हाँ, डेविड धवन साहब जिनकी फिल्मों को देखकर, उनकी कॉमेडी फिल्मों को देखकर जिस तरीके से बड़े हुए हैं और वहाँ से कॉमेडी जो समझी है, आज अगर उनकी तरफ से छोटी सी तारीफ आती तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रियली रियली वेरी ओवर। और इससे बड़ी तारीफ अभी करके गया है, वो कहाँ गए? सतीश कौशिक जी अंदर अंदर ये वैसे इनके शागिर्द भी हैं। हाँ, सीखा। सर सर लास्ट क्वेश्चन एक है सर, इनके डायरेक्टिंग डेब्यू के साथ जैस्मिन जी का प्रोडक्शन का भी डेब्यू है, उसके बारे में क्या विशेष देना चाहेंगे? थोड़ा डरा हुआ जैस्मिन इज वन ऑफ द मोस्ट hardworking and the most organized person I have worked with, I have sensed. She's excellent, really. बस मैं तो यही कहूँगा बेटे, घर का माल फूंक के ज़्यादा मत खर्च करना, थोड़ा कम खर्च करना, लेकिन काम अच्छा लेना, समझ गए? चलो अभी तो जो कुछ किया है सो किया, लग नहीं पड़ा ऐसा चलिए रहो। गॉड ब्लेस, खुश रहो, खुश रहो एंड गॉड ब्लेस द फिल्म। यहाँ भी पाउच पर कर रहा था और पेट अंदर कर रहा था। हाँ जी, आज आर्या का डायरेक्टिंग डेब्यू है फिल्म की मानता के साथ, अगर आपने मूवी देखी है कैसी? देखो मूवी हम देखने आए हैं आज, वी आर गोइंग टू वॉच इट, ऑफकोर्स वी हैव वॉच द ट्रेलर एंड इट्स सो गुड टू सी योर फ्रेंड्स प्रोग्रेस इन लाइफ एंड आई थिंक ये तो होना ही था, पूरा ऐसे अंदर है, जीन्स में है, ब्लड में है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर आर्या, आई एम वेरी हैप्पी फॉर जैज, द एंटायर बाबा फैमिली भी कंग्रेचुलेट देम ऑफ कोर्स। द मूवी इज फनी एट द सेम टाइम इट गिव्स अ नाइस मैसेज, इट्स अ
मेरे को क्यों देख रही है ऐसी चीज़ में? I'm just like, if you want to take this. नहीं, I know it's a funny film. क्योंकि I remember हम लोग आसपास रहते थे, तो मैं और आर्या हम दोनों अपने अपने कुत्तों को घुमा रहे थे, तो देखा भाई एक बहुत फनी फिल्म है, ये अपने वाली कॉमेडी है, तेरे को मज़ा आएगा. What do you mean by अपने वाली कॉमेडी? नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जोक्स भेजते रहते ना, तो वैसा वाला है. Yeah, so and it's great. I think ज़रूरी भी है ये मैसेज देना, और जब एक ह्यूमर के तड़के के साथ ऐसा मैसेज दिया जाता है, सो इट्स बेटर रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, दैट्स व्हाट आई फील. हाँ मतलब, नहीं तो वैसे जीवन में हर कोई इतना सीरियस है, थोड़ा ये सेम चीज़ मजाक में बता दो यार. थैंक यू. बेहतरीन फिल्म है, प्लीज़ जाकर देखिए. मेरी बहन ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब स्टेडियम से बॉल बाहर नहीं, मतलब यूनिवर्स के बाहर फेंका. दूसरा इंटीग्रेशन आउट ऑफ ऑर्बिट. हाँ, ऑर्बिट. दूसरा काम मेरे भाई की फिल्म आप लोग देखिए, मुंबई लॉकडाउन, वैसे बहुत देखी हुई. इंटीग्रेशन हो गया, इंडिया लॉकडाउन. हाँ, इंडिया लॉकडाउन, सॉरी यार, समझ सकता है. अब आप दोनों मेरी इंटीग्रेशन शुरू करें. ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी फिल्म है, और इस फिल्म के ज़रिए आर्य बब्बर का टैलेंट, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का एक साथ में आपको दिखने मिलेगा. और वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंटायर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, सो प्राउड, एंड वी कांट वेट फॉर एवरीवन टू वॉच द फिल्म. प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ फिल्म देखिएगा. हॉटस्टार पे है सर. अभी मिस्टर अनूप सोनी हो जाएंगे, फिर एक और बाद में के लिए. हाँ यार, मुझे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ़नी टाइटल है, फिल्म है के मानता नहीं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी फ़नी फिल्म. मैंने देखी है ऑलरेडी हॉटस्टार पर, आप भी ज़रूर देखिएगा. थोड़ी ज़्यादा फ़नी हो जाती है कभी कभी, बट वॉच इट, इट्स फ़नी, इट्स डिफरेंट, इट्स वैकी, इट्स क्वाइट क्रेजी, बट इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू, सो यू मस्ट वॉच इट. थैंक यू. यस, लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स हैज़ इट्स कॉमेडी फिल्म ज़रूर है, मगर कुछ उसमें बहुत ही संजीदा, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट्स भी हैं. बोथ द गर्ल्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, शारिव हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड आर्या हैज़ रिटन इट, डायरेक्टेड इट एंड एक्टेड एज वेल. सो कहना मुश्किल है दैट किस वाले एरिया में ही हैज़ एक्सेल, बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी गुड इन ऑल थ्री, एंड लाइक आई सेड, देयर इज अ मैसेज एज वेल. वेल, मैंने ऑलरेडी उसको बहुत अप्रिशिएट कर दिया, अब आप लोग अप्रिशिएट करिए. हैव मोर एंड मोर पीपल टू वॉच द फिल्म. इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड मिलियन व्यूज, दैट मीन्स द ऑडियंस, द पब्लिक हैज लाइक्ड इट, सो दैट इज, एंड दैट्स द बिगेस्ट वर्डिक्ट. सो वी आर हियर टू एक्चुअली सेलिब्रेट द सक्सेस, सो बी अ पार्ट ऑफ इट, जॉइन द सक्सेस.
आप भी जरूर देखिए. थैंक यू. जी बस पहले एक चीज़ बस कहूँगा, इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर दैट सर इज़ हियर. एंड मैं सच्ची गल कहें, ये मतलब पंजाब का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस ब्रेकर है समीप कंग साहब, एंड इट इज़ एन ऑनर दैट ही स्टैंडिंग ओवर हियर. ही इज़ कम टू वॉच अ कॉमेडी फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो बस देखने मजा करने आए जी. मैं पता लगा बहुत अच्छी पिक्चर है और मेरी बेस्ट विशेज है आर्या को, एंड आई एम वेरी श्योर कि इन्होंने अच्छी पिक्चर बनाई होगी. बाकी पिक्चर देख के फिर बात करते हैं, बट बेस्ट विशेज टू आर्या बब्बर. हाँ जी मैंने तो पहले ही देख ली है. मुझे सीक्रेट स्क्रीनिंग दे दी मुझे मेरे भाई ने, लेकिन हम आज वापस देखने वाले हैं. बहुत एक्साइटेड हैं. जैसे कि मेरे बहन ने कहा, मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा क्रॉस कर गए, तो आई थिंक एक्साइटमेंट है, बज है ऑडियंस में. और बस यही एक्साइटमेंट बस आप शुरू रखिए. आप लोगों को अभी देखना और उसकी उसको मिलियन से 10 मिलियन व्यूज़ कर दीजिए आप लोग, प्लीज़. ये रिक्वेस्ट है हमारी. बट बहुत खुश है, आई थिंक पूरी फैमिली यहाँ पे है और हमारे हमारे क्लोज फ्रेंड्स और चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले सब यहाँ आए और हम बहुत खुश हैं. और प्लीज़ फिल्म देखिएगा. हॉट स्टार पे है, पिल है कि मानता नहीं. मुझे तो हर मुझे यार मैं कहूँ, मेरा फेवरेट कॉमिक मेरा भाई आर्य बब्बर है. ये मेरे भाई साइलेंट कॉमिक है, बहुत ही फनी है. तो मुझे पहले सीन से, पहले फ्रेम से मुझे हंसी, मेरी हंसी शुरू हो गई थी. तो बहुत फनी है. होता रहता है हम लोग का, हमारी बातें होती रहती है. हम एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन शायद आई थिंक मैं मेरे भाई की एडवाइस ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ और मेरी एडवाइस शायद इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी मेरे भाई की है. लेकिन बातें होते रहती है हमारी और काम की बातें एडवाइस देते रहते हैं. बिल्कुल. देखिए ऐसे ऐसे एक शख्स मुझे बताओ जिसने फिल्म नहीं देखी है. मैं उनको गुस्सा करूंगा. मैं क्यों नहीं देखी शाहरुख सर की फिल्म आपने? बहुत नहीं, मैं बहुत 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 खुश हूँ सर के लिए. आई थिंक पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश है शाहरुख सर के लिए. इट वॉज अ शाहरुख खान स्पेक्टिकल आई थिंक एट इट्स बेस्ट, एंड बहुत मज़ा आया. बिल्कुल हटा देगी. और आई थिंक इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंस आ गया वापस, हौसला बढ़ गया है आई थिंक. एक क्योंकि लोग जो हिचकिचा रहे थे या उनको शायद वो श्योर नहीं थे उनको थिएटर जाना है नहीं जाना है, आई थिंक इस फिल्म ने वो सारी हिचकिचाहट निकाल दिए और अब इंशाल्लाह सब जाएंगे, सब फिल्मों के लिए जाएंगे, थिएटर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे. और इंशाल्लाह ये 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 बॉयकॉट ट्रेंड बंद हो जाए सारे फिल्मों का, सारे फिल्मों का. जी फैंस के लिए बस सपोर्ट करते जाइए और फिल्में देखते जाइए हमारे और मेरी बहन और भाइयों की, बहन की फिल्म और मेरे भाई की फिल्म, और हमारी फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए. थैंक यू सो मच. और प्रतीका, आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपके पाइपलाइन में, क्या कुछ जुड़ा बहुत है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पाइपलाइन में, बहुत ही मज़ेदार फिल्म्स हैं इस साल, 2-3 रिलीजेज हैं. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. थैंक यू. मैंने देखी हुई है फिल्म पहले, बहुत अच्छी फिल्म है. इट्स वेरी फनी. इट्स इट हैज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट
twists and turns as well. So you have to watch the film. It's not just out and out just comedy and there's no story to it. It's an amazing story as well. So you guys must watch it. And it's every single person has performed really well. And the comic timing is amazing, which is actually the key for any comedy film. And it's very entertaining. So you guys please go watch it on Hotstar. It's out. And it's got over 1 million views already. So The movie is giving a very nice message as well. Uske baare mein kya kehna chahenge? I mean, it's given a very good message in a very funny way, so I think it's easier for people to understand and watch. Because when you see things in mazak mein cheeze dekhte ho, to hum actually use achhi tarike se lete, and we actually get the message in a better way, you know, rather than watching serious stuff. So yeah, I love the message and love the film. Okay, lastly, we have heard that there are many things coming up. Can you please share about it? Yes, I have at least 4-5 releases this year, starting with Rana Naidu on Netflix, jo abhi 15th ko trailer launch hone wali hai Rana Naidu ki. So wo Netflix pe aane wali hai. Then for Amazon there's a show, then there's two more films that are releasing, and then there's a music video. There's actually a lot of things releasing, guys, so please watch out for me. Thank you. I wish Shahriya Babbar all the very best for his film, which he has really worked very hard for. And I know this is a good film because I had seen the first rough cut of the film. Arya is a very talented belongs to a very talented family. He's a brilliant actor and a very good technician also. And मुझे यकीन है कि फिल्म अच्छी होगी. देखने आए हुए हैं. और जिस परिवार में राज बब्बर हो, नादिरा बब्बर हो, जूही हो, तो आर्य बब्बर को तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू आर्या एंड एंटायर फैमिली बब्बर फिल्म्स. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू. मैम यहाँ पे एक मिनट. Thank you. Stand for pictures. सर आज स्क्रीनिंग है पहले की मानता नहीं, काफी डिफरेंट मूवी है ये. आप क्या विशेष देना चाहेंगे आर्या को, उनका डायरेक्टिंग डेब्यू है? बेस्ट विशेस देना चाहूँगा. मैं उनका बड़ा पुराना दोस्त हूँ और बहुत सालों से उन्हें जानता हूँ, मेरे परिवार जैसा है. और मैंने नादिरा जी से ही सीखा है, जो कुछ भी सीखा है. तो हम दोनों एकजुट के बच्चे हैं. तो आई रियली रियली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम ईगली वेटिंग टू वॉच द फिल्म. किसका?
एक छोट It's wonderful and I wish him all the luck and Arya is very very special because mummy and Raj uncle go way back they did their debut together so I came to support him and I really hope sab dekhe aur usko bahut sara pyar de and I hope they love the film thank you एक बार बोलूंगा सीधा इकट्ठा बहुत सारे क्वेश्चन मत पूछना सर जैसे कि आप आ गए हैं आर्या की मूवी देखने पीले की माता ने क्या कुछ कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में ये फिल्म मैंने आज दूसरी बार देखी है और मुझे दूसरी बार ज़्यादा हंसी आई है मुझे ऐसा लगता है कि आर्या का जो ह्यूमर है वो यू नो इट्स लाइक स्ट्रेट इन टू योर फेस उनका ह्यूमर वैसा वाला ह्यूमर नहीं है कि सटल और ब्लैक कॉमेडी और अंडर द टेबल काइंड ऑफ अ कॉमेडी उनकी कॉमेडी है जो स्ट्रेट आपके मुंह पे हिट करते हैं और आपको मजबूरन हंसना ही पड़ता है आपको हंसी आ ही जाती है आपके पास कोई चॉइस नहीं होती सो देर इज़ अ सर्टन स्टाइल ऑफ हिज ह्यूमर विच विल मेक यू लाफ और मैं चाहता हूँ कि अब आर्या जो है एक अच्छी बड़ी फिल्म बनाएं ये तो एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई अब शॉर्ट फिल्म में उन्होंने इतना हंसाया लोगों को तो आई एम श्योर कि जब एक फुल फ्लेज्ड फिल्म बनाएंगे और जहाँ तक मुझे पता है ही इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ कम्प्लीटेड हिज वन ऑफ हिज कॉमेडी स्क्रिप्ट जो उन्होंने पूरी कर ली है और इट्स अ फुल लेंथ फीचर फिल्म और मैं चाहता हूँ कि अब हम जल्द उस फिल्म को फ्लोर पे देखें और फिर पर्दे पर देखें ऑल द बेस्ट मेरे फैंस जो भी मुझे पसंद करते हैं मेरा काम भी देखें और आर्या का काम भी देखें और इसकी फिल्म देखें इट्स अवेलेबल ऑन हॉट स्टार गुड लक थैंक यू